तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं WWE फैंस नेटवर्क। तो भाई आने वाले अपकमिंग रॉ के 30th एनिवर्सरी एडिशन वाले एपिसोड के अंदर द रॉक एंड रोमन रेंज को लेके WWE कुछ बहुत ही भयंकर करते हुए दिख सकती है। इसको लेके बहुत ही मैसिव अपडेट है जो कि हम लोग जानने वाले हैं वीडियो के अंदर। साथ में एक बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है जो कि है रेसलिंग कम्युनिटी के लिए काफ़ी शॉकिंग, एंड और भी बड़ी अपडेट्स है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप लोग देखना बिल्कुल एंड तक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दें। हम लोग 61,000 के काफ़ी करीब पहुँच रहे हैं एंड स्पेशली रॉयल रंबल का टाइम है, तो अगर आपको ऐसी ही WWE की अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को गाइस हम लोग शुरू कर लेंगे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के साथ में। एक बहुत ही बेकार न्यूज़ आ रही है सुबह सुबह निकल के सामने। रिंग ऑफ ऑनर के रेसलर जिनका नाम है जेब ब्रिस्को, नाम है नहीं नाम था कह सकते हम लोग, जेब ब्रिस्को, इनकी डेथ हो चुकी है एक कार एक्सीडेंट के अंदर। 38 साल के थे जेब ब्रिस्को, एंड रेसलिंग वर्ल्ड के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। आज NXT हो रहा था, बीच NXT को रोक के WWE वालों ने ट्रिब्यूट दिया इनको। AEW वाले ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ROH वाले देंगे ही देंगे, ऑब्वियसली ROH AEW से एक ही है। ऐसे में भाई ट्रिपल एच की तरफ से भी ट्वीट आया है, कोडी रोड्स की तरफ से भी ट्वीट आया है, सेमी जेन वगैरह एंड अदर WWE सुपरस्टार्स एंड AEW टैलेंट्स भी जो हैं ट्वीट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो हम लोग भी एटलीस्ट अपनी तरफ से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन के अंदर RIP लिखें। तो मेरी तरफ से भाई RIP है जेब ब्रिस्को को, एक गलत एक्सीडेंट हो गया। मतलब उम्र क्या थी, 38 साल की थी। बाकी अगर नेचुरल डेथ होती है तो वो कोई अलग बात होती है, लेकिन एक्सीडेंट में मरना ये क्या ही बोल सकते हैं भाई इसके बारे में। खैर मेरी तरफ से रेस्ट इन पीस, आप लोग भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी की जो कि रिया रिपली एंड बॉबी लैशली को लेके। ये दोनों इंडिया आ रहे हैं, जी हाँ गाइस, इस वीकेंड में, अप कमिंग डेज में रिया रिपली एंड बॉबी लैशली प्रमोशनल वर्क से इंडिया आ रहे हैं। अब ये प्रमोशनल वर्क क्या है क्या नहीं, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लास्ट टाइम जो हमारी होप्स थी वो काफ़ी बढ़ गई थी इंडियन इवेंट को लेके, तो इस बार मैं वो होप्स रखना भी नहीं चाहता। बाकी रिया रिपली एंड बॉबी लैशली ये लोग इंडिया आ रहे हैं, इससे पहले ड्रू मैकइंटायर आए थे, एंड यहाँ पे जरनी उसका कहना है कि कुछ प्रमोशनल वर्क्स के लिए ये लोग आ रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, अब जो होगा वो वक्त के साथ मालूम चली जाएगा। वरना फिर मुझे नहीं लगता है कि फिर समय होप रखनी चाहिए, फिर से अगर होप रखेंगे फिर से चकनाचूर होगा तो बेकार ही है। कुछ होगा ऑफिशियल तभी जानेंगे अब कुछ होता है तो। बाकी आगे बढ़ते हैं, रोमन रेंज को लेकर अपडेट है, रोमन रेंज की फैमिली को लेकर। आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रोमन रेंज की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी है, एंड एडवर्टाइज किया गया है कि ब्लड लाइन के सारे ही जनरेशन जो हैं वहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। ऐसे में कुछ कन्फर्म नेम्स जो हैं वो निकल के सामने आ चुके हैं। मतलब लॉजिकली तो सबको आना चाहिए, टमीना वगैरह सबको आना चाहिए, लेकिन कुछ नेम जो कि ऑब्वियस हैं कन्फर्म है इसको लेकर रिपोर्ट है। एंड आफा सीका रिकसी ये लोग कन्फर्म बताए जा रहे हैं, ये जो एल्डर्स हैं ब्लड लाइन फैमिली ब्रांच के, ये लोग अपियर होने वाले हैं। आफा सीका एंड रिकसी और भी ब्लड लाइन के मेम्बर्स होंगे, पूरी फैमिली ही होगी लगभग लगभग। बाकी ये नहीं पता कि कौन कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट इतना तो बता सकते हैं कि आफा सीका एंड रिकसी ये लोग तो अपियर होने वाले हैं रोमन रेंज की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी में। ये स्पॉइलर टाइप से, बाकी ये तो ऐसे भी पता था, लेकिन ठीक है भाई अपडेट आई है तो मुझे लगा बता देते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग अगली अपडेट की जो कि लोगन पॉल को लेके। लोगन पॉल रॉयल रंबल के लिए वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन WWE होप कर रही है कि लोगन पॉल रॉयल रंबल में अपियर हो। WWE को चाहिए एक मेगा स्टार रॉयल रंबल के लिए, मतलब वैसे जो एक्टिव हो उनके टैलेंट के अंदर, उनके रोस्टर के अंदर। बाकी तो ऐसे बहुत सारे मेगा स्टार्स WWE ला सकती है रॉयल रंबल के अंदर, बट इनकी नज़रें लोगन पॉल के ऊपर एक बार फिर से। एंड WWE चाहती है कि लोगन पॉल ट्रेनिंग करे अपकमिंग मैच के लिए, एंड रॉयल रंबल के लिए होप्स WWE की है कि लोगन पॉल आए। हालांकि कंफर्म नहीं है तो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन स्टिल WWE के प्लान्स हैं कि रॉयल रंबल में लोगन पॉल को लेके आया जाए। एंड रॉयल रंबल में लोगन पॉल आ जाएंगे तो सही होगा, मतलब रैंडी ऑर्टन वगैरह भी आ जाए, हम लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोगन पॉल भी इंजर्ड ही हैं तो अगर आ जाते तो बेटर होगा। WWE तो लाना चाह रही है, अगर लाना चाह रही है तो चलो, इससे ये तो मालूम चला कि इंजरी से निकल के बाहर आ चुके हैं लोगन पॉल, वरना WWE ट्राई ही नहीं करती इनको बुलाने की। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्टिल रॉयल रंबल को लेके ही है, रॉयल रंबल इवेंट को लेके अपडेट है। तो भाई WWE जो है रॉयल रंबल को लेके कुछ इस तरीके से प्लान कर रही है कि ये जो आने वाला हफ्ता होने वाला है, जो आने वाला वीक होगा, इसमें सारी चीज़ें सेटल कर लें, जितने टैलेंट्स अपीयर होने वाले हैं वो सारे लॉक हो जाए प्रॉपरली, एंड WWE के साथ ही रहें। इस चीज़ को टर्म दिया गया है ऑल हैंड्स ऑन डेक करके, कि WWE जो है सारी चीज़ों को जुटा कर रखना चाहती है एक साथ, एंड जैसे ही इनका कुछ भी हो पत्ते फेंकते जाएं फेंकते जाएं। तो रॉयल रंबल को लेके कोई भी लूज मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे,
सारी चीज़ें टाइट हैं। WWE इसी हफ्ते सब कुछ कंफर्म एंड कंटेस्ट करना चाहती है कि बाद में कोई दिक्कतें ना आए लास्ट मिनट में। तो भाई अब जो भी है इसी वीक होगा, यानी कि अगर रॉक को अपीयर होना है रॉयल रंबल में तो इसी वीक सारी फाइनल प्रोसेसिंग हो रही है। ये कैसी मतलब सुन के ही अजीब सा लगा भाई। बाकी हाँ, WWE इस हफ्ते सब कुछ कर देगी खत्म, मतलब खत्म क्या ऑफिशियल कर देगी, कंफर्म कर देगी, जो भी मैनेजमेंट है वो खत्म कर देगी रॉयल रंबल के लिए, एंड बैक स्टेज सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। अगली स्टोरी अंकल हाउडी को लेके। अंकल हाउडी काफ़ी फ्रेंडली हैं भाई, मतलब अगर आप मिलने जाओगे तो चाय नाश्ता आपको कराएंगे, ऐसा कहना है एक फैन का। अभी रिसेंटली अंकल हाउडी रॉक एपिसोड में अपीयर हुए थे, जो कि क्राउड के बीच में से अपीयर हुए थे। तो एक फीमेल फैन है जिसका क्लेम करना है ट्विटर के ऊपर कि जैसे अंकल हाउडी अपीयर हुए थे तो वो अंकल हाउडी के साइड में ही थी, उसने अंकल हाउडी को हाय का इशारा करा एंड सामने से अंकल हाउडी ने भी हाय का इशारा करा है। अब ये इस चीज़ को देख के काफ़ी खुश हो गई, इसका कहना या तो बो डैलस ने मुझे हाय कहा है, अब या तो अंकल हाउडी ने भी कहा है, तो अंकल हाउडी जो है बहुत फ्रेंडली हैं फैंस के साथ में या फिर जो भी है। तो ये अंकल हाउडी को लेकर बताया जा रहा है, क्या WWE इंटेंशनली इस चीज़ को करा रही है कि अंकल हाउडी का कैरेक्टर ये लोग फ्रेंडली रखना चाहते हैं या फिर क्या। वैसे फ्रेंडली तो भाई वो भी थे, ब्रेव हार्ट फायरफ्लाई फनहाउस वाले भी फ्रेंडली थे, पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ अंकल हाउडी को लेके इस फैन ने एटलीस्ट यही कहा है कि अंकल हाउडी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, इसने हाय कहा तो उसने भी सामने से हेलो कहा है भाई। बाकी अपनी आखिरी स्टोरी है द रॉक एंड रोमन रेंस को लेके। एक मैसिव रॉक का टीज या ट्विस्ट आने वाले अपकमिंग रॉक एट 30th एनिवर्सरी वाले एडिशन में आपको देखने को मिल सकता है। ये सबको मालूम है कि रोमन रेंस की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी है एंड WWE ने इंटेंशनली इस चीज़ को अनाउंस करा है कि ब्लड लाइन के सारे जनरेशन अवेलेबल होंगे एंड इसमें रॉक का नाम ना आए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब दो चीज़ें नोट करी जा रही है, एक तो ये है कि सिंपल रॉक अपीयर हो जाए, जिसके होने के चांस मुझे बिल्कुल ही नहीं लगते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई रॉक अपीयर हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रॉक अपीयर होंगे। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि रॉक अपीयर ना हो फिर भी रोमन रेंस का जो मैच है वो रॉक के साथ होगा, तो बिल्कुल सही है भाई, रॉक अपीयर नहीं होंगे एंड यही सबसे बड़ा मूव होगा। सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स आ जाएंगे, लेकिन जब रॉक नहीं आएंगे तो रोमन रेंस को चीज़ हिट करेगी, हर्ट करेगी एंड देन यहाँ से रोमन रॉक की फ्यूड स्टार्ट हो जाएगी, ये बताया जा रहा है। तो अगर रॉक अपीयर हो जाते हैं भाई, वैसे होंगे नहीं, लेकिन अगर हो जाते हैं तब तो मैच बिल्कुल ऐसे भी ऑब्वियस है, नहीं भी होते हैं फिर भी ऑब्वियस है। तो ये वो वाली बात होगी भाई कि सिक्का का ये वाला सिरा भी मेरा, वो वाला सिरा भी मेरा, रोमन रॉक एनी हाउ होना ही है। रॉक नहीं भी अपीयर होंगे तो होगा, होंगे भी तो होगा ही होगा भाई, बाकी हो जाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा भाई, मजा आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स थी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग एंड वंस अगेन रिप जे ब्रिस्को। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।